छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में बीजेपी ने 21 सीटों पर पहली लिस्ट क्या जारी की, कांग्रेस बीजेपी पर जमकर बरसी। लेकिन अब हाल कुछ जुदा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने टिकट की दावेदारी के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की थी, यानी अब दावेदारी का समय भी बीत चुका है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस के सामने अपने ही घर में चुनौती है। 90 विधानसभा सीटों पर 500 से ज्यादा दावेदार ताल ठोक चुके हैं, जिस पर बीजेपी भी तंज कस रही है। ब्लॉक स्तर पर नहीं, उनको ग्राम स्तर पर आवेदन लेना चाहिए। वो जितने नीचे स्तर पर आवेदन लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। और जब एक अनार होगा और 100 बीमार होंगे तो फिर सब बीमार ही रहेंगे, अनार किसी को नहीं मिलेगा। सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पाटन सीट और कुछ गिनी चुनी सीटें छोड़ दें तो क्या डिप्टी सीएम और क्या कैबिनेट मंत्री, हर एक सीट पर दावेदारों की फौज खड़ी हो गई। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की सीट से गुरप्रीत बाबरा ने दावेदारी पेश की, तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार राजधानी रायपुर की सीटों पर दमखम दिखा रहे हैं। रायपुर दक्षिण से मेयर एजाज डेबर, प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल समेत 22 लोगों ने टिकट का दावा किया है। रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय, सुबोध हरितवाल की दावेदारी सामने आई, जबकि रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, विनोद तिवारी और संदीप साहू ने ताल ठोकी है। इन दावेदारों को लेकर मुखिया और डिप्टी सीएम का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। जो योग्य है उसी को करेंगे। देखिए, जब अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है तो लोग फिर रिएक्ट करते हैं, जितने लायक वो खुद जानते हैं, जो आवेदन किए हैं वो जानते हैं, इसमें से जीतने वाला कौन है वो भी जानते हैं, और अपने योग्य व्यक्ति के यदि मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं, यदि कमतर को मिला तो फिर नाराज भी होते हैं। अच्छा है, यही प्रजातंत्र की व्यवस्था है, खुला मंच है, पूरी संभावनाएं सबके लिए रहती हैं, जो इच्छुक हैं वो मांगे, खेल होते हैं, राजनीति है, कुछ लोग मजा लेते हैं, कुछ लोग दबाव बनाते हैं, कुछ लोग सुर्खियों में आना चाहते हैं, चलता है। ऐसी प्रक्रिया में कई बार ये होता है कि सबकी जिज्ञासा होती, मेरा नाम भी आ जाए। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की भीड़ तो लग गई, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट को तय करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। और कैंडिडेट फाइनल भी हो गया तो भीतर घात का खतरा जरूर मंडराता रहेगा। लेकिन फिलहाल तो 500 से ज्यादा आवेदन में से छटनी करना ही कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द तो है ही। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। टेंशन में तो आजकल सभी हैं, वह पार्टी जिन्होंने टिकट का ऐलान कर दिया है वह पार्टी, और जो अब टिकट का ऐलान करने के लिए दावेदारों को ढूंढ रही है वह भी। मेरा इशारा बसपा और बीजेपी की तरफ है, जिनकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करने की फिलहाल तैयारी में दिख रही है। कुल जमा यह है कि टिकट को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज है, और जब हलचल तेज होती है तो तनाव होना भी लाजमी है। अब आपका सवाल यह होगा कि बीजेपी पर तनाव क्यों? तनाव इसलिए क्योंकि पहले से जगजाहिर उम्मीदवार के लिए कमजोर कड़ी खोजना घर के भीतर और घर के बाहर भी बहुत आसान होता है। अमूमन चुनाव के समय जब पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर पहले कर देती है, उस समय दिक्कत आपस में भी होती है, घर के भीतर भी होती है, घर के बाहर भी होती है। इसलिए जो 21 प्रत्याशियों की कमजोर कड़ियों को पार्टी के भीतर ढूंढना और पार्टी के बाहर ढूंढना बहुत आसान है। कांग्रेस का तनाव यह है कि पारदर्शिता के चक्कर में कहीं अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए हैं। कुल मिलाकर यह कहना चाह रहा हूं कि जब एक विधानसभा के लिए खुल्लम खुल्ले तौर पर 5 से 6 दावेदार हो जाते हैं तो जाहिर है अपने ही लोग अपनों को निपटाने में जुट जाते हैं। आखिर टिकट की तासीर ऐसी होती है जहां ना कोई अपना होता है और ना कोई सगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आदित्य नामदेव। आज कांग्रेस ने अपना दरवाजा दावेदारों के लिए बंद कर दिया है, अब सीधे लिस्ट निकलेगी। लेकिन साथ ही साथ दावेदारों के मन में यह डर भी बना दिया है कि कहीं एक से ज्यादा दावेदार उनका ही पत्ता काटने में जुट तो नहीं जाएंगे। आज चर्चा हम इसी बात को लेकर करेंगे कि टिकट पर टेंशन कहीं राजनीतिक दलों को बेचैन तो नहीं कर रहा है, कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लोग इसी टेंशन को दूर करने में तो नहीं लगे हैं। चर्चा आज हम इस विषय पर खुलकर करेंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान मौजूद रहेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में उचित शर्मा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मैं बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका।
मेरे साथ बिलासपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से केएस चौहान जी जुड़ेंगे स्काइप से, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दावेदारों से तो हम डिस्कशन करेंगे दावेदारों की दावेदारी पे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अभय नारायण जी। अभय नारायण जी में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से दावा जरूर ठोके होंगे, उनसे भी मैं जरूर बातचीत करूंगा। सब पहला सवाल वहीं से शुरू करता हूं। अभय जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही होगी तो आप लोगों को नहीं लगता कि पारदर्शिता के चक्कर में आप लोगों ने मुसीबत पाल ली है? खुलकर नाम सामने आ रहे हैं, कितने दावेदार हैं और सभी टिकट लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे का पैर खींचना भी शुरू कर दिया है और कोई किसी हद तक जाने के लिए भी तैयार है। अभय जी, ये दिक्कत तो नहीं हो जाएगी कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में? आदित्य जी, ये फार्मूला 2018 में भी अपनाया गया था और ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से ही आवेदन मंगाए गए थे और उस वक्त भी इसी तरह बड़ी संख्या में आवेदन आए थे। जब हम 15 साल विपक्ष में थे और 18 में फिर चुनाव लड़े तो भी यही स्थिति थी। तो कोई मुसीबत नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है कि टिकट किसको मिलेगी, योग्य कौन है, लेकिन आवेदन करने का उसका अधिकार है। शैलजा जी ने कहा कि टिकट मांगना आपका अधिकार है, पाना आपका अधिकार नहीं है। इस लाइन को जानकर सभी कार्यकर्ता आवेदन कर रहे हैं, आवेदन पे विचार होगा और हमको पता है कि जब टिकट मिलेगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पंजा छाप को लेकर मैदान में उतरेगा, प्रत्याशी कोई भी हो। दोबारा हमको सरकार बनानी है, छत्तीसगढ़िया सरकार बनानी है, भूपेश बघेल की विश्वसनीयता की सरकार बनानी है, जो हमने 5 साल काम किया उन योजनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार बनानी है। और जो छत्तीसगढ़ 15 साल के तनाव से मुक्त हुआ, 15 साल के भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ, 15 साल के तमाम कमीशनखोरी से मुक्त हुआ, वो पुनः कायम रहे और 2023 में भूपेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, राहुल सोनिया जी की सरकार फिर बने, इसके लिए कार्यकर्ता तैयार है। कहीं कोई चिंता की लकीर नहीं है और कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है। आपने दावेदारी पेश की कि नहीं की? नहीं, मैं इससे पहले भी दावेदारी पेश नहीं किया हूं, आज भी दावेदारी पेश नहीं किया हूं। मेरे नेता भूपेश बघेल हैं, यदि मुझे अनुमति मिलती तो मैं पेश करता, लेकिन मुझे विधायक बनने का नहीं, मुझे सरकार बनाने की चिंता है कि हम सरकार के साथ रहेंगे और आज मुझे चलिए कोई बात नहीं, इतना ही ओहदा मिला हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। चौहान साहब मेरे साथ जुड़े। चौहान साहब, आज जब 21 उम्मीदवारों को आप लोगों ने बुलाया, हमें तो जानकारी मिली सबसे ज्यादा सीख आप लोगों ने यही दी कि आपस में मिलजुल कर काम करना है, मतलब डर है ना आप लोग को भीतरघात होने का? सरायपाली में अलग तरीके से विरोध का स्वर सामने आ रहा है, अलग अलग जगहों पर मैंने देखा, मोहला मानपुर में अलग तरह से विरोध हो रहा है, जल्दबाजी तो नहीं हो गई टिकट डिक्लेयर करने में? विरोध कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा चौहान साहब? आदित्य जी, अगर विरोध की चिंता करती भारतीय जनता पार्टी तो इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं करती। सिर्फ सबसे पहली बात यह है, जहां पर विरोध की बात होती है, आप भी बहुत सालों से राजनीति में जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं, जहां विरोध की स्थिति रहती है वहां पर लास्ट में जो पार्टी चयन करती है लोगों को। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का एक रीति नीति है कि वन टीम वन ड्रीम के अभियान के तहत वो काम करती है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता। यहाँ अभी जो 21 सीटें जो हुई भी है, वो आप ये देखेंगे कि जमीनी से जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता रहे हैं, जो पदाधिकारी रहे हैं, उनको जाके वो टिकटें मिली हैं, जो सही में हकदार थे उस जगह के। देखिए, हकदार सबका सब होते हैं, हर मिट्टी हकदार होती है, लेकिन लायक कोई कोई मिट्टी होती है मूर्ति बनने के लिए, और जिसकी मूर्ति बनाई जाती है उसके बाद उसकी पूजा करना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य होता है। दूसरी बात यह है कि जो भी कांग्रेस के जो चल रही है रीति नीति चल रही है, वो रिएक्शन है। एक्चुअली वो रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जब कोई मैदान में छक्का मार देता है टीम को, तो टीम दूसरी जो टीम रहती है वो तितर बितर हो जाती है, उसको समझ नहीं आता है हम क्या करें। भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशीलता से, अभय जी प्लीज, मैं ये बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने
इतनी संवेदनशीलता दिखाई है, इतनी गंभीरता दिखाई है छत्तीसगढ़ के प्रति कि वो अपने सभी चीजों को छत्तीसगढ़ में क्या सही हो सकता है, क्या ठीक हो सकता है, उसके हिसाब से कदम उठा रही है। और कांग्रेस जो है अभी जो ये जो स्थिति आई है कांग्रेस की, वो दिखाने की और है खाने की और है। जैसे मैं इनकी लोकतांत्रिक, ठीक है मैं लौटूंगा आपके पास। उचित जी मेरे साथ जुड़े हैं। उचित जी, ये दोनों नया प्रयोग है, 3 महीने पहले बीजेपी की टिकट सामने आना, कांग्रेस का ओपन सिलेक्शन, हालांकि अभय जी कह रहे हैं 2018 में भी इसी तरह से था, लेकिन 2018 में जो स्वरूप 2023 में दिख रहा है वो 2018 में आपने भी नहीं देखा था, मैंने भी नहीं देखा था। ये किस तरह से देख रहे हैं दोनों, एक ओपन सिलेक्शन और एक 3 महीने पहले टिकट का डिक्लेयर होना? देखिए, जहां तक भारतीय जनता का सवाल है, इनका जो पुराना अनुभव है, जिसे मैं कहूंगा आदित्य की जो हिमाचल में इनको अनुभव हुआ, जो कर्नाटक में इनको अनुभव हुआ, वो काफी दुखदायी था भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मोमेंट में डिक्लेयर किए, उसके बाद बागी कैंडिडेट बाहर आ गए, बागी कैंडिडेट में इतना समय जाया हुआ कि चुनाव की तरफ फोकस नहीं कर सके, जो विरोध के स्वर इतने स्ट्रांग हो गए कि उनको मैनेज करने में बहुत तकलीफें गई। ये हिमाचल का भी ये हाल है, 20-20, 21-21 विपक्ष जो थे वो खड़े हो गए, जो दावेदार अपनी ही पार्टी के 21 जो विरोध के स्वर मुखर आवाज खड़ी हो गई, उनको दबाने में काफी समय जाया हुआ। सेम चीज कर्नाटका में हुई। तो अपने पुराने कठिन अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नया प्रयोग कर ये एक्सपेरिमेंट किया है और एक ये क्रैश कोर्स का वक्त दिया है, क्योंकि ये सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की तो है नहीं, 21 सीटों में कोई भारतीय जनता पार्टी की सदस्य, तो ये क्रैश कोर्स, ये फेल सीट है भारतीय जनता पार्टी की। क्रैश कोर्स के माध्यम से अगर कुछ सीटें वो निकाल पाए तो शायद बहुत हद तक सफल हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग, ये उनकी कोशिश है। रहा ये लोकतंत्र के सबसे बड़े स्मार्ट कार्ड में कहूंगा कि कांग्रेस अपने आप को जो बताती है उसका एक नमूना है कि वो टिकट जब बांटने के पहले ही उन्होंने सबसे जो 22 तारीख तक उन्होंने ऑफर मांगे थे, सब जगह से उन्होंने एप्लीकेशन मांगे थे, ये नो डाउट एक प्रजातंत्र में मैं कहूंगा कि एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी सोच है, अच्छी समझ है और खुले रूप से एक पारदर्शिता दिखाने का उनका एक अपना सिस्टम है। और ये प्रयोग 18 में, हालांकि मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा कि 18 में मुझे देखने का नहीं मिल रहा, लेकिन वरिष्ठ अजय जी बोल रहे, अभय जी बोल रहे हैं, तो शायद ये हुआ होगा कि थोड़ा सा मुझे लेके कि 18 में ये प्रयोग किया गया था नहीं, लेकिन ये बात सत्य है कि प्रयोग जैसा भी हो अच्छी कोशिश है पारदर्शिता की, जो अब दिखाने की कोशिश है। 2018 में उचित जी, अभय जी को भी हमने नहीं देखा दावेदारी करते, 2023 में भी हम नहीं देख रहे हैं। हालांकि बढ़िया बात है कि देवलाल जी उधर गए कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी में, तो कम से कम टिकट मिल गई उनको। 2023 के बाद 2024 का लोकसभा में चुनाव है, तो शायद अभय जी की उसकी भी तैयारी हो सकती है, ये एक बात अलग बात हो सकती है। लेकिन ये जो दोनों अनुभव है ये बड़े उम्दा रिजल्ट देंगे, कोशिश से रहेंगी, वक्त अच्छा मिल जाता है अपने लोगों से मिलने का, पूरी विधानसभा के दौरे करने का, तो जो भी विरोध के स्वर जितने भी खड़े होते हैं उन्हें निपटाने का या उन्हें शांत करने के लिए काफी वक्त मिल जाता है। अभय जी, आप टिकट का पहला ऐलान कब तक करेंगे? मेरे पास जो जानकारी है कि बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हड़बड़ा गए अचानक कि लिस्ट तय हो गई 21 लोगों की, अब उनके सामने कौन सा कॉम्पिटिटर लाए, कौन सा बेहतर चेहरा दें, ऐसा तो नहीं हड़बड़ा गए लिस्ट के बाद बीजेपी के? देखिए, हड़बड़ाने का इसलिए प्रश्न नहीं है कि सब प्रत्येक राजनीतिक दल, भाजपा हो, कांग्रेस हो और भी जो पार्टियां छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना चाहती हैं, सबकी अपनी अपनी तैयारी है। और कांग्रेस के तो संभागीय सम्मेलन चल रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, बीएलए की ट्रेनिंग चल रही है, तो हड़बड़ाने का प्रश्न नहीं है। ये जरूर भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया कि छत्तीसगढ़ में अचानक टिकट डिक्लेयर किया। आज उन 21 लोगों को बुलाया गया था रायपुर, वो इसलिए बुलाया गया था कि अरुण साहू जी से उनका परिचय करा दिया जाए, क्योंकि 21 लोग का अरुण साहू से परिचय नहीं था, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से परिचय नहीं था। ये अमित शाह ने जो ऊपर से टिकट थोपी बिना यहाँ लिस्ट के, बिना जानकारी के, बिना कोई चुनाव समिति के बैठक के, चुनाव समिति की बैठक में फैसला हो ना हो, चुनाव समिति की बैठक की जानकारी आप लोग को होती है, पैनल बनते हैं, लेकिन कांग्रेस का नाम भी हाईकमान तय करता है, बीजेपी का नाम भी हाईकमान तय करता है, लेकिन कांग्रेस के हाईकमान तक पहुंचने से पहले चुनाव समिति बैठेगी, स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, तब वहां जाएगा। जहां तक तिथि की घोषणा का सवाल है, अभय जी, आपके यहाँ भी डिप्टी सीएम का नाम आला कमान नहीं भेजा था भाई, यहाँ के लोगों ने नहीं भेजा था, आला कमान ने लेटर जारी किया था, कैसे भूल जाते हैं आप? मैं देखिए, ये तय था कि टी एस सिंहदेव जी पहले से मंत्री थे और 2 नंबर में ही मंत्री थे, मुख्यमंत्री के बाद उन्हीं का नंबर लेता था, तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। मैं तो बोल रहा हूँ आला कमान भेजता है, लेकिन डिप्टी सीएम का परिचय मंत्रियों से नहीं कराना पड़ा। आज 21 उम्मीदवारों का परिचय प्रदेश अध्यक्ष से कराया गया,
21 उम्मीदवार हैं, अब इनको आप चुनाव लड़ाइए, ये बड़ी बात है राजनीति में। कि अरुण साहू जी से उनका परिचय नहीं था, वो खुद अपने परिचय के लिए प्रदेश में घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा दिन अध्यक्ष बने हुए, फिर भी हर पार्टी की रणनीति होती है और उनके तो रणनीतिकार दिल्ली में बैठे हैं, उनको बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, लेकिन उनका मुकाबला भूपेश बघेल से हो रहा है। एक तरफ पूरे रणनीतिकार भाजपा के जो पूरे देश की रणनीति बनाते हैं और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। कि भूपेश बघेल जो साहब मानिए या ना मानिए, आपके कई प्रत्याशियों का भारी विरोध अभी से शुरू हो गया, सरायपाली, मोहला, मानपुर, ऐसी कई जगह है, कांग्रेस छोड़िए बीजेपी के भीतर भी लगातार भीतरघात होने की संभावना बढ़ रही है, कैसे बेड़ा पार लगेगा 2023 का? आदित्य जी मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि अगर जहां पर आक्रोश का जो स्वर रहते हैं वो व्यक्तिगत हो सकते हैं, सबका हकदार है, सब हकदार हैं, लेकिन हकदार की बात नहीं होती है, लायकी की बात होती है। और मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है और टीम के लिए हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, देखिए दावा करने का हक सभी को है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके बाद जब मूर्ति बन जाए तब मूर्ति की पूजा करना, अर्चना करना, वो हमारा धर्म होता है। और भारतीय जनता पार्टी क्या ये 21 प्रत्याशी भगवान बना दिए कि अपने मूर्ति बना रहे हैं, पूजा पाठ शुरू करा रहे हैं? भाई जी पूजा पाठ करिए, अगरबत्ती मंगाइए। अभी सुनिए सुनिए सुनिए, विचारधारा जो होती है, विचारधारा, मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी कहां से आएगी? पूजा मिट्टी छत्तीसगढ़ की आएगी कि दिल्ली के लोग लाएंगे? मूर्तिकार छत्तीसगढ़ के होंगे कि दिल्ली के लोग होंगे? ये मूर्तिकार है कौन? मूर्ति बना कौन रहा है? ये पूछना चाहते हैं आदित्य जी। ठीक है जी, मेरी बात बोलने दिए, अच्छा रहेगा। आदित्य जी जैसे कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बोल, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी बोल रहे थे कि अयोग्य व्यक्ति अगर आ जाता है तो आक्रोश होता है, तब विरोध के स्वर आते हैं, तो टीएस सिंहदेव जी ने भी विरोध किया था, ये हम भूल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये अभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात बोल रहे थे, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आपकी नींव जब गलत हो तो इमारत सही नहीं हो सकती है। इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले 18 साल से एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है, एक ही घर परिवार का, पिछले 50 सालों से विधानसभा में, पिछले 50 सालों, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, निर्वाचित हुए हैं, एक ही परिवार को दुर्ग में टिकट मिल रही है, सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, पहला पहली बार होगा कि जब तीन बार हारने के बाद चौथी बार टिकट मिली है, ये इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जनता को धूल झोंक, जनता की आंखों में धूल झोंक दिया, अब कार्यकर्ता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये लोग। अब ये मेरे को ये बता दें कि सत्यनारायण शर्मा जी को टिकट नहीं मिल रही है, पंकज शर्मा जी को टिकट मिल रही है, वहां पर क्या दूसरे दावेदार नहीं है? और जितने दावेदार होते हैं उतना आक्रोश दिखाई देता है कि आक्रोश आपके जो वर्तमान जो वहां पर जनप्रतिनिधि है उसके प्रति आक्रोश है। ऐसा कौन सा आपका मंत्री है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सारे, मैं आऊंगा आपके पास, सारे नहीं, नया प्रयोग किया गया इससे पार्टी को, दोनों ही पार्टियों की बात कर रहा हूं, फायदा मिलेगा कि नुकसान? है तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयोग है वो अपना अस्तित्व बचाने का प्रयोग है, और वही कांग्रेस का प्रयोग लोकतंत्र की पारदर्शिता को दिखाने के लिए प्रयोग है। तो दोनों ही प्रयोग, दोनों को फायदे होंगे। जिस तरीके से वक्त मिला है, 3 महीने भी विरोध के मुखर स्वर जो आएंगे उसे दबाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार सफल रह पाएगी और उसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो रिजल्ट पे आपको देखने को मिलेगा। कई जगहों पर एक जगह से एक एक दावेदार ने दो दो तीन तीन जगह के लिए आवेदन किया, मतलब 2 से 3 विधानसभाओं के लिए आवेदन किया। रायपुर में देख लीजिए, एजाज ढेबर ने रायपुर उत्तर से भी किया है, दक्षिण से भी किया है। आप लोगों ने तय नहीं किया था क्या कि कहीं भी कोई भी दावेदारी कर दे? भाई एक जगह से एक दावेदार सामने आना चाहिए, कोई नियम शायद बना नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ओपन ओपन खेल रहे हैं, दिखा रहे हैं, अंदर खेल कुछ और चल रहा है, सब कुछ दिल्ली से होना है भाई जी? देखिए एजाज ढेबर जी नगर निगम के महापौर हैं, रायपुर नगर निगम के, और उन महापौर के अंडर में वहां की चारों विधानसभाएं आती हैं। उनको जहां से आवश्यकता है उन्होंने आवेदन दिया, 2 जगह आवेदन देंगे, 3 जगह आवेदन देंगे, लेकिन जब टिकट मिलेगी तो एक ही जगह से मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ नगर निगम बिलासपुर है, यहाँ भी बिल्हा विधानसभा आता है, बेलतरा विधानसभा आता है, तगतपुर विधानसभा आता है, मसूरी विधानसभा आता है,
अगर कोई बिलतरा और बिलासपुर से एकजात करता है, कोई बिलहा और बिलासपुर से एकजात करता है, तो पर्दा, मैंने कहा ना, ठीक है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। दूसरी बात, मैं चौहान साहब से ये कह रहा हूँ कि टिकट देने का जो लायक है उनको दिए, समय बिल्कुल नहीं है, जो लायक है उनको टिकट दिए, और जो लायक नहीं थे तो क्या थे वो, उनको आप क्या मानते हो? हम तो इतने योग्य लोगों में से एक अच्छा योग्य व्यक्ति खोजेंगे, बाकी सभी योग्य हमारे। चौहान साहब, एक छोटा सा जवाब, 21 चेहरे आपने क्लियर कर दिए, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को आपने पर्याप्त समय दे दिया? अब 21 लोगों के सामने निश्चित तौर पर कोई भारी उम्मीदवार कांग्रेस लाना चाहेगी ताकि 21 उम्मीदवारों को डिफीट किया सके, समय ज्यादा तो नहीं दे दिया आपने कांग्रेस को? छोटा सा जवाब क्लोज करना है मुझे। भारतीय जनता पार्टी अपने अपने शर्तों पे सभी चीजें करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सब चीजें करती है, ये किसी के रिएक्शन से नहीं करती है, खुद के एक्शन से करती है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब 3 राज्यसभा सांसद बाहर से मंगाए गए थे, इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ में कोई आपके कोई लायक नहीं था राज्यसभा सांसद बनने के? क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? पार्टियों ने इस बार नई तरह की परिपाटी शुरू की, एक पार्टी ने 3 महीने पहले उम्मीदवार तय कर दिया तो दूसरी पार्टी ने दावेदारों की लंबी फौज खड़ी कर दी है, ओपन फॉर ऑल दिखाया जा रहा है। कितना फायदा होगा दोनों ही पार्टियों को, विधानसभा 2023 का चुनाव बताएगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है, इस बार का जो चुनाव होगा 2023 का, उचित जी भी सहमत होंगे, 2018 का रिपीटेशन बिल्कुल नहीं होगा। बहुत कम अंतर से सीटें रहती हैं, 3 देख लीजिए, 8 देख लीजिए, 13 देख लीजिए, उसी हिसाब से दोनों ही पार्टियों को तैयारी करना चाहिए। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में दिख रही है, और मेहनत करने की जरूरत है, और कांग्रेस को पहली बार के जितने विधायक बने उसमें अधिक से अधिक लोगों की टिकट काटने की जरूरत यहां पर है, तभी इलेक्शन कांग्रेस के फेवर में जा पाएगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।